दोस्तों, मीठा हमारी जिंदगी का एक अहम जुज है, या ये कहें कि मीठे के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे मीठा पसंद ना हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर मीठी चीज चीनी से बनती है, पर अब सवाल आता है कि चीनी कैसे बनती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री में गन्ने से चीनी कैसे तैयार की जाती है और कितने मराहिल से गुजर कर गन्ने का रस व्हाइट क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करके आपके सामने आता है। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने डिस्कवरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इतला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, पहले मरहले में चीनी बनाने के लिए कुदरती मिठास की जरूरत पड़ती है, जिसे हम गन्ने से हासिल करते हैं। तो सबसे पहले गन्ने को हार्वेस्ट मशीन के जरिए खेतों से काटा जाता है। इसके बाद हार्वेस्ट मशीन गन्ने को छोटे टुकड़ों में काटकर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक ट्रांसपोर्ट में लोड करते जाती है, जो कि हार्वेस्ट मशीन के साथ साथ चलती है। अब गन्ने को फैक्ट्री में लाने के बाद ये ट्रांसपोर्ट एक रिसीविंग कन्वेयर बेल्ट पर इन गन्नों को उतारती है, जिस पर गन्ने को सफाई के लिए दो अलहदा वॉशिंग यूनिट्स में से गुजारा जाता है, क्योंकि रस निकालने के लिए गन्ने का साफ होना बहुत जरूरी है। अब पहली कन्वेयर बेल्ट गन्ने को क्रशिंग मशीन में ले जाती है, जहां गन्ने को क्रश करके इसे फाइबर में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद क्रश किए हुए गन्ने से रस हासिल करने के लिए इसे मिलिंग टैंडम में डाल दिया जाता है। इस अमल को मुतअद्दद बार किया जाता है, ताकि रस का एक कतरा भी जाया ना हो पाए। मिलिंग टैंडम गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की बाकियात को एक अलग हिस्से में भेज देता है, जिसे बतौर ईंधन इस्तेमाल कर लिया जाता है। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि इन सब ऑपरेशंस पर एक सुपरवाइजर तैनात किया जाता है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक गन्ने से रस जमा करने के तमाम मराहिल की देखरेख करता है। और अब वक्त आ गया है रस से चीनी बनाने का। तो सुनिए, चीनी की तैयारी में सबसे पहले गन्ने के रस का एक सैंपल लिया जाता है, जिसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, जिसमें रस में मौजूद कसाफतों को छानकर बिना कसाफतों वाला शफाफ जूस हासिल किया जाता है। फिर इस बिना कसाफत वाले जूस को एक मशीन में डाला जाता है, जिसे पोलैरोमीटर कहते हैं। पोलैरोमीटर से जूस की पीएच मालूम की जाती है, जिसे हम उर्दू में ख्वास कहते हैं। इसके बाद जूस को 10 मीटर ऊंचे टावर से नीचे गिराया जाता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड के बुखारात खारिज होते हैं, और इस अमल को सल्फरटेशन कहते हैं। सल्फरटेशन के बाद एक बार फिर से जूस की पीएच मालूम की जाती है, जिसके बाद एक कारकुन पानी में चूने का पाउडर मिलाकर एक महलूल तैयार करता है, जिसे जूस में मिलाया जाता है। इस अमल में 6 घंटे का वक्त लगता है, जिसे एल्कालाइजेशन कहते हैं। एल्कालाइजेशन से चीनी की पीएच तब्दीली हो जाती है, यानी ना तेजाबी खवास बाकी रहते हैं और ना ही असासी। दोस्तों, एल्कालाइजेशन से जूस का रंग ब्राउन से पीला हो जाता है, और जूस को मजीद शफाफ बनाने के लिए एक टैंक में डाल दिया जाता है, जहां जूस को 2 घंटे के लिए टैंक में मिलाया जाता है, जिसके बाद टैंक की बेस से एक नमूना लिया जाता है और चेक किया जाता है कि अब जूस में कितनी कसाफतें बाकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कसाफत नीचे बैठ गई है और जूस ऊपर जमा हो गया है। इसके बाद कारकुन टैंकों से मिट्टी की शक्ल सी गन्ने की बाकियात को भी साफ कर देते हैं, ताकि इनसे खेतों के लिए खाद निकाल ली जाए, और इसके बाद बचने वाले मवाद को बॉयलर में जलाकर बतौर ईंधन इस्तेमाल कर लिया जाए। अब इस जूस को एक बॉयलर में उबाला जाता है, जिससे जूस में मिठास की शर्रा 15 से 60% तक बढ़ जाती है। इसके बाद जूस को 15 टन के एक टैंक में डाल दिया जाता है, ताकि जूस को मजीद साफ किया जा सके, जिसमें बची कुची कसाफतें जूस के ऊपर तैरने लगती हैं, और टैंक पर लगा एक पैडल इन कसाफतों को टैंक से बाहर धकेलता जाता है। इस टैंक से हासिल करता जूस कुछ इस तरह नजर आता है, जिसे बाद में मजीद प्रोसेस किया जाएगा। अब इस गाढ़े जूस में अल्कोहल से खारिज होने वाले स्क्रोज क्रिस्टल नामी एक गाढ़े दूधिया कलमी मरकब को मिलाया जाता है, जिसके बाद इस जूस को वैक्यूम बिन्स में उबाला जाता है, और मिठास से भरे इस गाढ़े पेस्ट में अम्ले कलमाओ यानी क्रिस्टलाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है। एक आदमी मुसलसल इस पेस्ट का सैंपल लेता रहता है, जिसे वीट मास्ट कहते हैं, ताकि पता चलता रहे कि क्रिस्टलाइजेशन का अमल किस हद तक जारी है। अब इस गाढ़े क्रिस्टलाइज्ड पेस्ट को एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला जाता है, जो कि 1200 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। ये मशीन प्योर क्रिस्टल को बास्केट के अंदर, जबकि बाकी बचे मोलेसिस यानी शक्कर को बैरूनी खोल में दाखिल कर देती है। पानी की मदद से क्रिस्टल्स को मशीन की अंदरूनी बास्केट से उतार लिया जाता है, जिसके बाद पानी का अखराज हो जाता है और सिर्फ क्रिस्टल बाकी बचता है। अब एक कन्वेयर बेल्ट शुगर क्रिस्टल्स को सेंट्रीफ्यूगल मशीन से निकालकर अलग कर देती है, जिसे खाम चीनी कहते हैं। इसके बाद दो तरह की चीनी हासिल होती है,
एक कम सफेद चीनी जिसमें क्रिस्टल्स के साथ मोलेसिस की भी मिकदार है, जबकि दूसरी शफाफ और सफेद क्रिस्टल की शक्ल में है जो कि इंतहाई ब्लीच शुदा है और इसमें मोलेसिस की मिकदार सिफर है। कन्वेयर बेल्ट से शुगर के क्रिस्टल्स को एक बड़े गर्म हवा वाले ड्रायर में डाला जाता है ताकि शुगर में नमी के तनासब को मतवाजन बनाया जा सके। ड्रायर से निकलने के बाद चीनी को 1000 किलो के बैग में भर दिया जाता है, जिसके बाद इन बैग्स को लिफ्टर की मदद से मेन वर्कर असेंबली में पहुंचाया जाता है। दोस्तों मैं बताता चलूं कि एक लिफ्टर एक वक्त में 3 बैग उठाता है, यानी 3000 किलो। वर्कर इस बैग को बड़ी एहतियात से पैकिंग मशीन में दाखिल कर देता है, जिसके बाद ये मशीन चीनी को 40 किलो के प्लास्टिक बैग में बंद करके इन पर मोहर लगाती है। ये शुगर मिल हर दिन 2 लाख बैग तैयार करती है। दोस्तों अगर आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी शुगर मिल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस बनाता रहूं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके।